आपने हमें जो इतना बड़ा प्रसन्नता का समाचार सुनाया है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक, मेरी संतान जो है कितनी शांति सूचक है। अच्छा ठीक, हमारी जो संतान है ये शांति सूचक के रूप में है हमारे पास। देखे ना, यहाँ हमें वो शुभ समाचार मिला और वहां जो मुगल है वो चुपचाप शांतिपूर्वक वापस लौट रहा है। थोड़ा हाथ नीचे, एक्शन। वो चुपचाप वहां शांतिपूर्वक वापस लौट रहे हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा। काट, ओके ओके। अजब दे, अजब दे, क्या हुआ आपको? अजब दे आके बैठ गए, क्या हुआ आपको? बैठ गए। शांति वार्ता सफल हो गई है जब दे। शिथिलता नहीं ले रहे हैं। हाँ शांति वार्ता सफल हो गई। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या शांति वार्ता सफल हो गई है जब दे? आगे आने से क्या? चलिए दरबार चलते हैं बोल के। रोलिंग उसने काट ही दिया था दरबार, बोला वाइडर क्या? चलिए दरबार चलते हैं। रुकिए, आप ऐसी अवस्था में विश्राम करना चाहिए आपको जब दे। उसकी आवश्यकता नहीं है। पीछे मैम, पीछे लाइट। मैम अभी शॉर्ट में नहीं है, अभी हट जाइए मैम, हट जाइए, हम अभी लेकर आते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। आई मैम, एक्चुअली गर्मी तो बहुत ज़्यादा है आज, और डेफिनेटली हम भी इंसान हैं तो हमारे भी काफ़ी मूड स्विंग्स होते हैं बिकॉज ऑफ द हीट, और इतना जो कहते हैं ना, मुझे आई थिंक द अक्टूबर हीट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी किलिंग, और बॉम्बे की जो आई थिंक अक्टूबर हीट सबसे ख़राब होती है, और ये हेवी कॉस्ट्यूम्स हैं, ज्वेलरी हैं, सब कुछ है, बट बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल होते हुए आपको काम करना ही पड़ता है। सो देयर डेज व्हेन इट्स नॉट वेरी ग्रेट, टुडे इज वन ऑफ दोस डेज कि बहुत ज़्यादा गर्मी आज। हाउ अबाउट यू, यू एंजॉयिंग इट? आई थिंक वी हैव नो ऑप्शन, नो आई एम नॉट, बट वी हैव नो ऑप्शन, बट हमें ऐसे शूट करना ही पड़ता है। वी मैनेज, हम लोग ऐसे एसी में, फैन में अपने आप को ठंडा रखते हैं, कभी रूम में जाते हैं, बट देन कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से हमें शूट करना पड़ता है। सीक्वेंस ऐसा है कि अजब दे जो हैं वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई है किसी कारणवश, और वो कारण क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, हम नहीं बताएंगे, बट इट्स अ वेरी हैप्पी रीज़न, इट्स अ गुड रीज़न, और नहीं मतलब जो भी है, अब वो हो सकता है कि कुछ भी हो, बट अच्छा अच्छा एक मोमेंट है, कुछ अच्छे सीन्स हमने आज शूट किए हैं अजब दे के साथ। आई थिंक जब अजब दे और प्रताप सीन्स शूट करते हैं डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ स्पार्क इन इट, एंड आई एम श्योर हम दोनों की जो केमिस्ट्री है लोगों को बहुत पसंद आती है। सो इट्स नाइस दैट इन दिस हीट ऑल्सो, इतनी गंदी गर्मी में भी वी आर एक्चुअली मैनेजिंग टू यू नो उस सीन में सर्वाइव,
and survive well in the scene also. So sir, abhi pata hai ki Bollywood directors hain epic film ko lekar kafi. Haan ji, kya bol rahe hain? Epic films. Haan, kafi excited hain, kafi bana rahe hain. Lakshmi Bai ho ya koi aur topic pe ho, agar aapko approach kiya jaye kisi film ke liye to. मैं लक्ष्मी बाई एक्चुअली मैं करना चाहूँगा. आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस बिकॉज लक्ष्मी बाई डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स वी हैड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. या लक्ष्मी बाई इज लाइक वाओ. व्हाई वुड यू प्ले लक्ष्मी बाई? जस्ट किडिंग मैन, ऑब्वियसली. गर्मी में इनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा डाउन हो जाता है. बट एनीवेज आई थिंक आई वुड लव टू प्ले आई थिंक यू प्ले भगत सिंह रियली वेल. आई थिंक भगत सिंह, आई थिंक बहुत लोगों ने कहा है मुझे भगत सिंह वुड बी अ वेरी गुड भगत सिंह. वुड बी अ गुड चॉइस. भगत सिंह वुड बी अ ग्रेट चॉइस. आई थिंक आल्सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस. आई थिंक या आई थिंक डेफिनेटली नेताजी. ही इज गॉट वेरी लाइक इंटेंस डीप आईज, सो आई थिंक भगत सिंह. शांति वाला. हाउ डू यू नो पर्सनली? या शांति वाला आईज, ऐसी कोई बात नहीं है. बट आई थिंक एनी खून पसीना दिया है देश के लिए. आई थिंक इट विल बी मोर देन अ प्लेजर, इट विल बी एन ऑनर प्लेइंग. जैसे मैंने आपसे कहा, प्रताप, महाराणा प्रताप मुझे प्ले करने का जो मुझे अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, इट्स डेफिनेटली ग्रेट एंड आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी. क्या प्ले करेंगे आप? झांसी की रानी. वही है कि इनको क्वेश्चन थोड़ी हॉर्स राइडिंग के लेसन देने पड़ेंगे. तलवार तो अच्छा चला लेती हैं आप ऐसे. क्यों पंडित जी, तलवार तो अच्छा चलाती हैं. कौन सा कैरेक्टर था बताइए, एक मिनट. व्हाट कैरेक्टर वाज दैट? ये हमारे पंडित जी. हमारे पंडित जी बताइए तो, वो कौन सा था? व्हाट बिगनिंग ऑफ कैरेक्टर वाज? भाई जी लाल जो तलवार याद है आपको, तलवार जो चलाए थे अच्छे चलाए थे. बिल्कुल वक्त नहीं है, बस पता है कि मैचेस चल रहे हैं इंडिया के अभी. हाँ जी, हाँ मैं सुना जहीर खान ने जैक ने रिटायरमेंट लिया. उसे जैक कहते हैं प्यार से हम लोग. तो आई थिंक उन्होंने रिटायरमेंट लिया है. और बट आई थिंक ही डेफिनेटली ही इज़ द एंटायर कंट्री इज प्राउड ऑफ हिम. कि जिस तरह वे इतने साल खेले, ही डन द कंट्री प्राउड एंड वी ऑल आर रियली प्राउड ऑफ हिम. सो वन ऑफ द बेस्ट बोलर्स द कंट्री एवर सीन. हाँ, मैं सुना डांस बार खुलने वाले हैं. क्या बात है. आई थिंक देखिए, ऐसा है कि पहली बात, देश में एम्प्लॉयमेंट जो है होनी चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो. अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोग भूखे मरेंगे और देश जो है बिल्कुल पॉवर्टी की ओर जाएगा. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर डांस बार्स के माध्यम से लोगों को अगर काम मिल रहा है, स्वच्छ सुंदर तरीके से काम मिल रहा है, वाई नॉट? डांस बार शुड बी देयर एंड बिकॉज आई थिंक इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. अगर आप सही तरीके से यूज करें, इट्स अ वेरी गुड फॉर्म एंड आई थिंक इट्स अ गुड मीडियम to get entertained also. Why not? मुझे लगता है कि अच्छा भी है इन अ वे, लेकिन उसे मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, उसे बुरे तरीके से नहीं लेना चाहिए. एक प्योर एंटरटेनमेंट के तौर पे इसका मज़ा लेना चाहिए. बट जो नहीं हो पाता अपने यहाँ पर, बट मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे कि अगर आप कोई भी आप में से जाना चाहता है तो जस्ट रिस्पेक्ट द वुमेन आउट देयर, बिकॉज वो भी अच्छे घर से बिलोंग करती है. कुछ मजबूरियों के कारण उन्हें ये स्टेप लेना पड़ता है. बट जस्ट रिस्पेक्ट देम फॉर व्हाटएवर दे डू.